देखो अब खोल दिया है, सुबह 8 बजे चूने के दाबू के बीच में पारद डाला था, अब चूना बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें से चूने में से पारद अलग करते हैं। अब अलग करने के लिए भी कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो चमचा लाओ तो। चमचा से अलग कर लेंगे। इसी तरीके से पहले ऊपर ऊपर से चमचा घुमाकर चमचे से लेकर अलग कर लेना है, चूना ऊपर का चूल्हा निकाल लेना है चारों तरफ से। अब उसको ईटो ले लो एक तरफ, इसी तरीके से हिला के हिलाते चूना बाहर आता जाएगा और पारद नीचे बैठता जाएगा। માટલું હલાવો થોડું,
खुला। बहुत बेकार जोर से पसार हो। हेलो अब पारद निकल गया है। देखो पारद अलग कर लिया है। अब दोबारा उनको मटकी में रख कर चूना के दाबू में डालते हैं। 5 किलो चूना के दाबू में डालकर दोबारा प्रयोग करना है। इसी तरीके से 3 बार प्रयोग करना है। 3 बार 5-5 किलो दाबू में से पास करना है। दाबू कम से कम 5 से 7 किलो रखना है। 5 किलो लेकिन 6 से 7 घंटे रखना है। एक खास ध्यान रखना है। देखो ये कैसा चमकदार दिखता है पारद। डाल दो आधा। अब दोबारा आधा पाउडर 5 किलो पाउडर लिया है अंगूजा चूना का, तो आधा पाउडर डालते हैं और बराबर उनको दबाकर फिर आधा पाउडर दूसरा पारद रख कर डालेंगे। बस बस हमने से बराबर बिछा दो। वजन देव पर बस ले लो। अब एक खड़ा यहाँ बीच में करते हैं, 4 खड़ा साइड में करते हैं। चमची लेके आओ तो हो गया है 4 खड़ा। अभी से 4 खड़ा में थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल देते हैं। तुम्हें हाथ डाली रखो ने आ नजीक रो बार खड़े रहो पाउडर बाबा रख बाहर। अरे पड़ा हो जावे
का अगर थोड़ा थोड़ा तू हाथ से पहले डाल दे, ठहरो। डाल दो खड़ा के ऊपर डालो पहले। बस डाल दो अब सब पाउडर, ये बीच में थोड़ा डालना बस, अब सब डाल दो। चारों तरफ बिछा दो, दबा दो। लाओ पान, डालो साटो थोड़ा थोड़ा पान, डाल दो। बस अब ढक्कन ढक दो। इट रख दो उसके ऊपर। ये इसके ऊपर रख दो, ये दोबारा क्रिया कर दिया है।